हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे हम आपको कुड का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब लोग बोलते हैं तब वो ग्रामर का ध्यान उस तरीके से नहीं रख पाते जिस तरह से वो लिखते समय रख पाते हैं, या जब वो ट्रांसलेट करके बोलते हैं उस समय रख पाते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन करके बोलना समस्या का सलूशन नहीं है, क्योंकि इससे फ्लुएंसी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है। यदि आप ये चाहते हो कि आपको फ्लुएंसी डेवलप करना है, तो यू हैव टू वर्क ऑन ग्रामर, वेयर ग्रामर आपको बैकग्राउंड से सपोर्ट करने लग जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ग्रामर के डिफरेंसेस को समझो, उसके यूज़ के अंतर को समझो, और उसको इस तरीके से अपने ब्रेन में बिठा लो कि वेन यू स्पीक राइट ग्रामर सो सपोर्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। यहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुड एक पॉसिबिलिटी को दिखाता है। कुड के बहुत सारे यूजेज हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। मेजर यूजेज इसकी पॉसिबिलिटी के लिए होती है। पॉसिबिलिटी मीन्स किसी भी चीज़ की संभावना के लिए होती है। नाउ यदि हम बात करें कि कुड का, तो कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट और पास्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है जो कि आपको समझना है और अपने ब्रेन में रखना है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो कभी भी आप कुड के इस्तेमाल में गलती करोगे ही नहीं। यहाँ पे आप ये समझो कि कुड का इस्तेमाल एक हम नाउन के साथ करते हैं और दूसरा हम मेन वर्ब के साथ करते हैं। तो नाउन के साथ हम कुड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी नाउन को हाईलाइट करना हो, जब किसी के पद, पोजिशन, कंडीशन, सिचुएशन, इन्फॉर्मेशन को बताना हो, तब हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं। यदि हम इसमें नाउन के साथ इस्तेमाल करें, तो कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में इस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन। यदि हम ऐसा बोलते हैं, यू कुड बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, ये आज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि हमें पास्ट में बोलना हो, तो देखो स्लाइट डिफरेंस। यहाँ कुड के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये पास्ट में चला जाता है और हम बोलते हैं यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो सकते थे। बट नेचुरल है कि हम वर्तमान में बोल रहे हैं और उस इंसान को बोल रहे हैं जो डॉक्टर नहीं है। इट मीन्स ये अनफुलफिल्ड पास्ट है, क्योंकि वर्तमान की पॉसिबिलिटी, हम वर्तमान में पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अनफुलफिल्ड पास्ट होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं यू कुड हैव बीन अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बन सकते थे। उसी तरीके से यदि हमें बोलना है यू कुड बी एन IAS ऑफिसर, आप एक IAS ऑफिसर हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बोलते हैं यू कुड हैव बीन एन IAS ऑफिसर, तो हम बोलते हैं आप एक IAS ऑफिसर हो सकते थे। तो यहाँ पे हम जो भी पद, पोजीशन और सिचुएशन की चर्चा करते हैं, वो हम ये बताते हैं कि कौन सी प्रेजेंट में और कौन सी पास्ट में। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कुड के बाद यदि हम बी लगाते हैं और नाउन को प्लेस करते हैं, तो ये प्रेजेंट होगा। लेकिन कुड के साथ हम हैव बीन लगाते हैं नाउन के पहले, तो ये पास्ट होगा। मीन्स प्रेजेंट में बी होगा एंड पास्ट में हैव बीन होगा। वेरी सिंपल। नाउ यदि हम किसी वर्ब के साथ, ये तो हमने किसी पोजीशन के साथ किया, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम वर्ब के साथ बात करते हैं, कि जब हमें मेन वर्ब के साथ बात करना हो, तो इसमें हम कुड को प्रेजेंट और पास्ट में कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, V1 इक्वल टू जो हम यहाँ पे बी के तौर पे ले रहे थे V1, हम वर्ब के पहले फॉर्म को लेते हैं और यहाँ पे अदर वर्ड लगा देते हैं। लेकिन यदि हमें पास्ट में देना होगा, तो सब्जेक्ट प्लस कुड है बिल्कुल एकदम सिमिलर जो हमने नाउन के साथ लिया। यहाँ हमने बिन को फिक्स कर दिया था, यहाँ पे हमने इसे V3 में लिख दिया, इसे हमने फिक्स नहीं किया, और उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड है। नाउ यदि हम बोलते हैं यू कुड इन्वाइट मी, या यू कुड इन्वाइट हर, आप मुझे इन्वाइट कर सकते हो या आप उसे इन्वाइट कर सकते हो, ये प्रेजेंट की बात है, अभी तक आपने इन्वाइट किया नहीं है, बट ये मेरा सजेशन है कि यू कुड इन्वाइट हर, आप उसे इन्वाइट कर सकते हो। लेकिन जब हम कहते हैं यू कुड हैव इन्वाइटेड हर, आप उसे इन्वाइट कर सकते थे,
वो हम तब बोल रहे हैं जब आपने उसे इनवाइट नहीं किया, तो आपको हम बोल रहे हैं कि यू कुड हैव इनवाइटेड हर। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कुड के बाद हम वर्ब ले रहे थे, यहाँ कुड के बाद हम हैव और V3 ले रहे हैं। इट मीन्स यू कुड हैव इनवाइटेड हर। आप थोड़े से डिफरेंस से देख रहे हो कि कुड का इस्तेमाल हम कितनी आसानी से प्रेजेंट और पास्ट के साथ कर पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि इसके प्रैक्टिस करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर। लाइक यहाँ पे हम बोलते हैं इंडिया कुड बी द मैच, इंडिया मैच जीत सकता है। लेकिन यदि हम कहते हैं इंडिया कुड हैव वॉन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता था, उसी तरीके से बोलते यू कुड हैव, यू कुड आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कुड हैव आस्क्ड मी, आप मुझसे पूछ सकते थे। यू कुड कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते। यू कुड हैव कॉल्ड मी, आप मुझे कॉल कर सकते थे। तो हमने ये नोटिस किया कि प्रेजेंट और पास्ट के बीच एक थिन लाइन है, थोड़ी सी ग्रामर की डिफरेंस है, जिसे हमें अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब बोल रहे होते हैं या कोई बोल रहा होता है, वो बात तो पास्ट की कर रहा होता है, बट वो ग्रामर प्रेजेंट की यूज़ करता है, क्योंकि उसे ये क्लियरिटी नहीं होती है कि हमें इस ग्रामर को कैसे यूज़ करना है जब हम सेंटेंसेस को पास्ट में ले जाते। तो आप ये समझो कि ग्रामर कैसे यूज होता है, कैसे मूव होता है। जिस दिन आप ये समझ लोगे कि ग्रामर की मूवमेंट क्या है इन प्रेजेंट एंड पास्ट, यू विल नेवर कमिट मिस्टेक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड योर क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग विल इम्प्रूव। सो जस्ट फोकस अपॉन ग्रामर, हाउ द ग्रामर मूव्स। आई होप दिस वीडियो हैव हेल्प्ड यू। आपने कुड के इस्तेमाल को समझा होगा कि कैसे इसे प्रेजेंट और पास्ट में हम यूज़ करते हैं। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई कि उसको रिप्लाई करूँ। एज वेल यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन बटन क्लिक कर लेंगे। थैंक यू।